में कोरोना वायरस के थ्रेट चलते हुए हम सब एक बहुत ही चैलेंजिंग घड़ी से गुजर रहे हैं। इसमें जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पूरे शहर की सैनिटाइजेशन करने का जो जिम्मा उठाया है उसको हम अपनी पूरी कोशिश और अपने बेस्ट एफर्ट से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब जनता कर्फ्यू से 22 मार्च से रोज़ हमारी 30 टीम्स निकलती हैं बाहर और शहर का कोना कोना सैनिटाइज करते हैं। अलग अलग किस्म की मशीन्स इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसमें बड़े मिस्ट स्प्रेयर्स, बूम स्प्रेयर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हैंडहेल्ड मिस्ट स्प्रेयर्स, स्प्रे गन्स भी इस्तेमाल की जा रही हैं। इसका ये फ़ायदा है कि बड़ी सड़कों से लेकर छोटी गलियों को भी हम कवर करते हैं। ऑफिसेज जहाँ पे अभी भी पब्लिक डीलिंग होती है, जो असेंशियल सर्विसेज हैं, उन सब की सैनिटाइजेशन लगातार जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही है। खास फोकस हमारा रहता है हॉस्पिटल्स पे, क्वारंटाइन सेंटर्स पे और रेड जोन्स पे। जैसा कि गवर्नमेंट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ हाई रिस्क एरियाज अभी घोषित किए हैं, कुछ कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो वहाँ एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इंटेंसिटी से हमारा ये सैनिटाइजेशन का जो काम है वो चलता है। इसके अलावा जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये जो लॉकडाउन का ये फेज़ है जहाँ पर बाहर निकलने पे पाबंदी है, इसका हमने फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसे सैनिटेशन ड्राइव्स भी की हैं, जहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ बहुत भीड़ के कारण या बहुत वर्कलोड के कारण वो एरियाज़ कुछ निग्लेक्टेड रह जाते थे। आज तक जब से लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ है, तकरीबन 2000 मेट्रिक टन एक्स्ट्रा जो कूड़ा है वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सफाई की गई है और इकट्ठा किया गया है, तो ये एक अचीवमेंट मैं मानती हूँ। और इसमें सब लोगों का आगे भी कोऑपरेशन रहे कि उन जगहों पर इरिस्पॉन्सिबली कूड़ा ना फेंकें। जहाँ तक राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, ये एक माइग्रेंट लेबर की जो प्रॉब्लम आई है, जहाँ पर जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनकी लाइवलीहुड थोड़ी एडवर्सली इफ़ेक्ट हुई है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तकरीबन 30,000 माइग्रेंट लेबर्स को आज तक राशन पहुंचाया है, और ये भी जो हमारा काम है ये एक डेली बेसिस पे किया जा रहा है, और ये जब तक ये ऐसी स्थिति बनी रहेगी तब तक हम हर माइग्रेंट लेबर को राशन पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते रहेंगे, जैसे कि अभी तक हमने किया है। इसके अलावा जो नालों की डीसिल्टिंग है वो भी ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर सीज़न शुरू होने वाला है। रबी क्रॉप की हार्वेस्ट और खरीफ की सोइंग का भी इसी समय टाइम आ चुका है, तो डीसिल्टिंग का काम चल रहा है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो छोटे नालों की देखरेख करती है, तो वहाँ भी डीसिल्टिंग का काम चल रहा है। और जैसा कि एक असेंशियल सर्विस हमें यहाँ प्रोवाइड करनी होती है, तो लॉकडाउन के करते भी कुछ असेंशियल काम हम करते रहते हैं, और इसके लिए मैं ज़रूर सफाई कर्मचारी और जो भी हमारा लेबर है उन सब का जो एक जितनी जिम्मेदारी से इस समय उन्होंने हमारा साथ दिया है उसके लिए मैं उनके एक अप्रिसिएशन करना चाहती हूँ और उन सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, चाहे वो जम्मू में हो चाहे देश के किसी भी कोने में हो। ये सब जो असेंशियल सर्विसेज का काम कॉरपोरेशंस द्वारा किया जा रहा है, इसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी लोगों से कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हमें खुद एक जिम्मेदारी से अपना बिहेवियर जिम्मेदारी से रखना है, और सरकार का काम सरकार कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे भी जैसे भी अपने दायरे में जो उनके हैं हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये सारे एफर्ट्स अधूरे हैं जब तक लोगों से कोऑपरेशन ना मिले। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है तो आप घर पे ही रहें,
जो टाइम टू टाइम बार बार बोला गया है, मास्क पहनने के लिए बोला गया है, हैंड वॉशिंग के लिए बोला गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया है, तो मैं ये सबको फिर से एक तरह से रिमाइंड करना चाहती हूँ कि एक महीना हो चुका है, पर अभी अभी ये जो हमारी लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, ये अभी भी जारी है। तो ये आप सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, उनको ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपके आसपास जो लोग हैं, जो कम्युनिटी में लोग हैं, उन सब के लिए, इन सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मान के। और मैं ये भी एक पॉइंट जो स्ट्रेस करना चाहती हूँ वो ये है कि ऐसा आपको मौका नहीं मिलेगा जबकि हम एक कंट्रीब्यूशन अपने देश की वेलबींग और वेलफेयर के लिए कर पाएँ। तो इस मौके को आप प्लीज़ जाने ना दीजिए। फिर से मैं रिपीट करूँगी, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये तीनों चीज़ें ज़रूर याद रखिए। जब भी आप बाहर जाते हैं, कोशिश कीजिए कि आप किसी अननेसेसरली किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं, क्योंकि क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, वो हमारे, जब हम हाथ को अपने मुंह, आँख, कान, नाक को छूते हैं, उससे ट्रांसमिट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम सब ध्यान रखेंगे, तभी हम कोरोना वायरस जैसे एक इन्फेक्शन को मिलकर कॉम्बैट कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉरपोरेशन के रोल के अलावा मैं हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सबके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। और एक ये इतना अच्छा जो टीम वर्क बनाकर सबने काम किया है, मेरे ख्याल से हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है, तब हम और भी अच्छा काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो कि पूरे देश में आज हमें देखने को मिली है। ना कि सिर्फ सिविल, पर सारी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस जो यहाँ पे पैरामिलिट्री हैं, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ डिप्लॉयमेंट में उनका साथ दे रही हैं। तो ये सब एक तो ये सब जो मिलके काम कर रहे हैं, इसमें मैं पब्लिक का भी कोऑपरेशन और साथ चाहूँगी। जो रेड जोन में लोग हैं, जो कि कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो जो उनको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, उनका खास ध्यान रखें। अभी ये एक टेक्निकल और साइंटिफिकली जो स्ट्रेटजी बनाई है गवर्नमेंट ने अलग अलग जोन्स बनाने की, वो एक बहुत ही सोच समझकर कोरोना वायरस के खतरे को कॉम्बैट करने का एक तरीका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, और जो आपको फिर से ये चीज़ें बताई जा रही हैं बाहर नहीं निकलने की, सिर्फ अगर बहुत इमरजेंसी है या कोई असेंशियल आपको काम है, तभी आप बाहर निकलें। आपका ये धैर्य और आपकी ये जो छोटे छोटे कदम हैं, वो ही हमारे देश को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। दुनिया।
देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। मैं आदेश शर्मा, बुलेटिन की शुरुआत करने हैं खास खास खबरें कन्ने। पुलवामा जिले च दऊं आतंकवादियों ते उंदे एक सहायक दा कीता गया सफाया। सरकार ने हॉटस्पॉट इलाके दे मालें गी छोड़िए सबने हट्टियां दुकानें गी खोलने दी दित्ती छूट। कश्मीर घाटी थमां कोरोना दे आए 40 नवे मामले ते लॉकडाउन दे चलदे रमजान दा पवित्र महीना होआ शुरू। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ते धर्म गुरुएं मुस्लिम बिरादरी गी लॉकडाउन दे दिशा निर्देशों की पालना करने की कीती अपील। उन खबरां विस्तार कन्ने। पुलवामा जिले च अज बडलै मून नेरे सुरक्षा बलें कन्ने लगे दे एक टाकरे च दऊं आतंकवादी ते उंदा एक सहयोगी मारे गए। जिले दी अवंतीपुरा थार दे गोरीपोरा इलाके च आतंकवादियों दी मौजूदगी दी एक सुपर कार्रवाई करदे होई सुरक्षा बलें क्षेत्र दी घेराबंदी करी है, तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलें दा घेरा तंग हुंदा दिखी है, उत्थे छप्पे दे आतंकवादियों उंदे उपर गोलियां चलानियां शुरू कर दित्तियां। सुरक्षा बलें आसिया जवाबी गोलीबारी च दऊं आतंकवादी ते उंदा एक सहयोगी मारे गए। एदे शा पहले जंदी संजा कुलगाम दे फ्रीसाल इलाके च सेना दे गश्ती दल उपर हमला करने परैंत लगे दे टाकरे च भी दऊं आतंकवादी मारे गए हे। इसे दौरान सेना ते पुलिस दी सांझी टीम ने कल जिला डोडा दे घोड़ियां इलाके च आतंकवादियों दे एक गुप्त ठिकाने गी नष्ट करिए उत्थों दा भारी मात्रा च असला ते गोला बारूद बरामद कीता है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन दौरान गैर जरूरी चीजें ते सेवाएं आली दुकानें गी खोलने दी मंजूरी दे दित्ती है। आले दुआले दी दुकानें ते इकली दुकानें गी खोलने दी मंजूरी दित्ती गई है। हालांकि म्युनिसिपल कारपोरेशन ते म्युनिसिपैलिटियां दी अधूदे च आने आले मार्केट कंपलैक्स बंद रौंगन। एदे कन्ने गै म्युनिसिपैलिटी दी अदंदर ते कोरोना वायरस दे हॉटस्पॉट ते कंटेनमेंट आले इलाके च बाजारें ते शॉपिंग मॉल दे खुलने पर पाबंदी जारी रहोग। कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानों को खोलने की अनुमति है सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं वहां पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा होरें अज रियासतें दे मुख सचिवें, पुलिस महानिदेशकें ते होरनें बड्डे अधिकारियों कन्नै वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राएं कोरोना वायरस दे मद्देनज़र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया गृह मंत्रालय दे दिशा निर्देशें मूजब आर्थिक गतिविधियां शुरू करने, प्रवासी मजदूरें दे मसले ते विदेशें च फसे दे भारतीय नागरिकें दे मुद्दे पर चर्चा कीती। जम्मू कश्मीर दे मुख सचिव BVR सुब्रमण्यम, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ते जम्मू रेंज दे IGP मुकेश सिंह होरें कैबिनेट सचिव होरें गी COVID-19 दे मद्देनज़र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दी स्थिति ते आर्थिक गतिविधियों दी बहाली ते प्रवासी मजदूरें दे मसलें बारे जानकारी दित्ती।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च कोरोना दे 40 नमें पॉजिटिव मामले आने कन्ने प्रदेश च कुल पॉजिटिव मामले दी गिनतरी 494 पुजी गई है। ए सभै मामले कश्मीर घाटी थमां न। एदे कन्ने कुल 494 मामले चा 57 मामले जम्मू खिते थमां ते बाकी दे 437 मामले कश्मीर घाटी थमां न। कोविड पॉजिटिव एक मरीज दी अज मौत होने कन्ने प्रदेश च इस महामारी कारण मरने आले दी गिनतरी 6 होई गई है। डोगरी खबरें दा यह बुलेटिन जारी है। पहले कोरोना वायरस बारे एक महत्वपूर्ण सुनेहा। एक सर्किट हाउस नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। दीदी ये देखो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 9111239780446 पर संपर्क करें। खबरें दे बुलेटिन च तुंदा परतिये स्वागत है। मुल्क भरे च मुसलमान अज पवित्र रमजान महीने का पहला दिन मना करते हैं। अगीदत मंदे कोविड 19 महामारी करी देशे च लाकडाउन की पालना करते हुए जंदी राती घरें च गए विशेष इबादत तरावी पढ़ी। नेका मुस्लिम धर्म गुरुएं नेताएं बुद्धिजीवियों ते संगठनें मुसलमानें गी समाजी दूरी का पालन करते हुए रमजान महीने दौरान घरें के अंदर गए नमाज अदा करने ते दुए धार्मिक अनुष्ठान करने की अपील की है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना समापन उपर ईद उल फितर मनाई जाती है। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू होरें रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर लोगों की मुबारकबाद देते हुए जम्मू कश्मीर च शांति खुशहाली ते भाईचारा कायम होने की मेद बुझी है। अपने स्नेह च लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें मेद बुझी है जे ए पवित्र महीना केंद्र शासित प्रदेश ते राष्ट्र की आपसी भाईचारे ते सद्भाव दे इक सूत्र च बनोग। मुल्खे दे होरने हिस्से आंगर जम्मू च भी रमजान दे पवित्र महीने दे पहले ध्याड़े अज मुस्लिम समुदाय दे लोकें रोजे रखे दे न। कोविड 19 दे चलदे सरकार आसिया जारी निर्देश मुताबक मुसलमानें अज पहली नमाज अपने अपने घरें च अपने परिवार आले कन्ने पढ़ी। मुस्लिम समुदाय आसिया फैसला लिया गया जे ओ इस बारी इफ्तारी भी अपने अपने घरें च करगन। आजकल डॉक्टरों की तरफ से हिदायत जारी की जा रही है, इस हिदायत के ऊपर हमें पूरा अमल करना है। जो मस्जिदों के अंदर नमाज के बारे में उलमा इकराम ने जो पहले से इससे पहले हिदायत जारी कर दी गई हैं कि नमाज अपने घरों के अंदर पढ़ें और घर के अंदर भी तन्हाई बना करके बैठें, और जो जो तरीके इसके बचाव कार्य के लिए बताए जा रहे हैं उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ तो रमज़ान का महीना है और दूसरी तरफ कोरोना वायरस जो फैला हुआ है ये इंसानियत का मसला है, इसलिए हमें इसके ऊपर अमल करना होगा। खुद भी अपने आप को भी बचाना है, अपने भाइयों को भी, अपने पड़ोस वालों को भी बचाना है। जो भी बचाव कार्य की तदबीरें हैं इसके ऊपर हमें अमल करना होगा। रामबन च इस मौके बाजारें मसीतें ते घरें च पहली जनेही रौनक दिखने की नहीं थोआ करदी है। लॉकडाउन दे सोशल डिस्टेंसिंग दा पालन करदे हुए कल राती लोके माहे रमजान दी पहली नमाज ए तरावी अपने घरें च गै अदा कीती। उत्थे गै मुस्लिम समुदाय दे धार्मिक नेताएं लोकें गी रमजान दी मुबारकबाद दित्ती, अपने अपने घरें च गै नमाज पढ़ने लई आख्या। इस बीमारी से बचने के लिए खुदा से दुआ मांगे और इन रोजों में हो सकता है इंशाल्लाह खुदा ये दुआ हमारी मंजूर करे। रमजान मुबारक का महीना है, बाबरकत महीना है और बीमारी भी यकीनन है, ताउन भी फैला हुआ है, सोशल डिस्टेंस जरूरी है। और देशे दे दुए सियाला लेखा डोडा जिले च भी मुसलमानें अज रमजान महीने दा पहला रोजा रखे दा है। मुस्लिम नेताएं बुद्धिजीवियों ते मजहबी संगठनें दी अपील मगरा मुसलमानें जंदी राती घरें अंदर गए तरावी पढ़ी ते राष्ट्रव्यापी लाकडाउन दी पालना कीती। डोडा नगरे च ते एदे आले दुआले दे इलाके दीआं सभै मसीतां बंद रहीआं। वहां भी सोशल डिस्टेंस बनाया जाएगा। हम ये भी दुआ करते हैं कि ये
आलमी वबा जो है अब टल जाए पूरे आलम से, हर इंसान इस वबा के शिकार होने से बच जाए। हमने खुद फैसला किया है यहाँ पर भी कि हम हर एक को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अपने घरों में बैठें, जितना हो सके उतना अपने घरों में बैठें। अगर बाजार भी आना है जो गोल दायरे बने हुए हैं उनको उन गोल दायरे में रह के ताकि दूसरों को बचा। जो एक वबा जो एक बीमारी फैली हुई है पूरे मुल्क में, तो हमने इस सिलसिले में जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है पूरा ताउन किया है और हमने यहाँ पर 3-4 दफा जो है जामा मस्जिद से ऐलान भी किया और मस्जिद में भी हमने पाबंदी नमाज पर लगाई। यहाँ पर सिर्फ मखसूस आदमी को हमने रखा है कि लोगों का जमघटा जमा नहीं होना चाहिए। पवित्र रमजान का महीना शुरू होने कन्नै उधमपुर च भी मुस्लिम समुदाय के लोग अजे थमां रोजा रखे दा है। हालांकि कोरोना वायरस की ध्यान च रखते हुए लोग मसीतें च जाने के बजाय अपने घरें च गै नमाज पढ़ा दे न। आदर्श कलोनी ईदगाह च भी लॉकडाउन के चलते बेरौनकी गै दिखने की थोआ करती है कि जे धार्मिक गुरुएं पहले गै लोगों की घरें अंदर गै नमाज पढ़ने की अपील की ही। अज रमजान का पहला दिन है, मैं ऊपर वाले को आज यही दुआ मांगती है जेड़ी वबा फैली थी है ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आज रमजान का पहला दिन है, हमने आज सहरी खा के घर में ही नमाज अदा की। पहले तो हम मस्जिद में जाया करते थे, लेकिन अब इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए इस बार हमने घर में नमाज फजर अदा की। अज भगवान परशुराम हुंदी जयंती है। कोविड-19 महामारी कारण अज जम्मू च परशुराम जयंती पहले आला लेखा नहीं मनाई जाई सकी कि जे सबने धार्मिक समारोहें पर प्रतिबंध लगे दा है। जम्मू दे गाड़ीगढ़ इलाके च एक मुकामी ट्रस्ट पासिया इस मौके समारोह दी थार उन्हें मजदूरें आस्तै मुफ्त लंगर दी व्यवस्था कीती गई जिंदे कश एक महीने थमां जारी लॉकडाउन करी कोई कामकाज नहीं है। मजदूरें गी मुफ्त लंगर तकसीम करदे मौके समाजी दूरी दा पूरा पूरा ख्याल रख्या गया। इयां गै सांबा च भी लोकें घरें च गै भगवान परशुराम हुंदी पूजा अर्चना कीती ते समाजी दूरी बनाई रखने दी पूरी पालना कीती। प्रार्थना करते हैं कि दुनिया भर में जो कोरोना जैसी महामारी छाई हुई है इससे छुटकारा मिले। जिला रियासी च नेकां बकाया पेदी परियोजनाएं गी सरकार आसिया लॉकडाउन च ढिल दित्ते जाने मगरा परतियै शुरू कीता गया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दे कार्यकारी इंजीनियर होरें जानकारी दित्ती जे सड़क निर्माण जनेही बकाया पेदी परियोजनाएं दा कम परतियै शुरू होई गया है जिहदे कन्नै तकरीबन 2000 मजदूरें गी फायदा पुजोग। एहदे शा पहले इस हफ्ते सरकारी दफ्तरें च कामकाज शुरू करी दित्ता गया हा। गुजारा कर सकें क्योंकि हम तो दूर दराज इलाके के रहने वाले हैं, उधर तो अभी तक हमारे कोई सहूलत पहुंची नहीं है, लेकिन इधर जो परमिशन दी है इसके लिए हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्र गुजार करते हैं। वजह से हम काम नहीं कर पा रहे थे, आज तक अपने घरों में बंद थे। और मुल्खे चला करदे लॉकडाउन करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने महिलाएं करसाने ते गरीब बुजुर्गें गी नकद माली मदद ते मुफ्त अन्नदाना देने दी घोषणा कीती है। जिला रियासी च लोकें च इस घोषणा कन्नै मती खुशी दिखने गी थोई है ते उन्हें प्रधानमंत्री हुंदा इस सद्भाव लई धन्नवाद कीता है। मिल गए मिला तो हमारा काम चल पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने को बोला है कि मनरेगा की भी हम किसानों को जहां गांव के वासियों को मनरेगा के दिन दिहाड़ी खोलेंगे। लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत परेशानी हुई थी, घर में काम भी नहीं करते, घर में ही बैठे हैं, पैसे भी नहीं थे। फिर अभी नरेंद्र मोदी ने अभी 2000 रुपया डाला, अभी हमें थोड़ी सी राहत मिली है। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मैं एंट्री कैंप गया हूँ और मेरे खाते में 3000 रुपया डाला उन्होंने मेरा परिवार। सरकार ने हमें आदेश दिया है कि मास्क पहन के रहना है और सोशल डिस्टेंस बना के रहना है।
पुंछ च डाक्टरें ते नीम डाक्टरी अमले गी निजी रक्षा उपकरण पीपीई किट्स दी कमी गी देखदे होई एक समाजी कार्यकर्ता निसार हुसैन शाह होरें अज पुंछ दे डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव होरें गी 50 पीपीई किट पेंट कीते। निसार हुसैन होरें एह किट अपनी बचत थमां तैयार कीते न। कार्यकर्ता ने एदे शा पहले प्रधानमंत्री केयर्स फंड च 5 लाख रुपए दान दिते हे। जिला विकास कमिश्नर होरें निसार हुसैन दा इस कारवाई ताई धन्नवाद कीता है। दूरदर्शन समाचार कन्नै गल्लबात करदे होई निसार हुसैन शाह होरें दस्सिया जे उन्हें कोरोना योद्धाएं दा सम्मान करने ते जरूरतमंदें दी मदद करने बारे प्रधानमंत्री हुंदे आह्वान थमां प्रेरित होइयै समाज आस्तै योगदान करने दा फैसला कीता। हिमाचल प्रदेश च फसे दे जम्मू कश्मीर दे तकरीबन 150 नागरिकें गी क्वारंटाइन अरसा मुकम्मल करने मगरा अज लखनपुर थमां प्रदेश च दाखल होने दी अनुमति दित्ती गई। जम्मू ते कश्मीर खित्ते कन्नै ताल्लुक रखने आले एह लोक हिमाचल प्रदेश च मजदूरी करदे हे। कठुआ दे डिप्टी कमिश्नर होरें दूरदर्शन समाचार गी दस्सिया जे लखनपुर थमां दाखल होने मगरा इनें मजदूरें गी अपनी अपनी थाहरें भेजी दित्ता गया ते उनेंगी अपने अपने घरें च गै क्वारंटाइन करने दी हिदायत दित्ती गई है। कोविड 19 महामारी दे चलदे मास्क दे इस्तेमाल गी बढ़ावा देने लई रामबन च धरमुंड पंचायत दे सरपंच दविंदर सिंह होरें मास्क सिलियै ग्रामीण च मुफ्त बंडा देन। उनें अपनी जेब थमां 150 मीटर कपड़ा खरीदियै तकरीबन 1500 मास्क तैयार करियै ग्रां आलें च बंडे। एदे कन्नै गै ओ उर्दू हिंदी ते अंग्रेजी च लिखे दे परचे राएं लोकें गी कोविड 19 थमां बचने लई बरती जाने आली एहतियातें बारे जानकारी देआ करदे न। कोविड 19 दे फैलाव गी रोकने आस्तै रामबन जिले च अज्ज किस्मत वालियें थाहरें उप्पर 10 सैनेटाइज करने आलियां सुरंगा स्थापित कीतियां गेईयां न। उंदा उद्घाटन अडिशनल जिला विकास कमिश्नर नवाब दीन होरें कीता। दूरदर्शन समाचार कन्नै गल्लबात करदे होई उनें दस्सिया जे एकड़ियां सुरंगा बनाने दा मकसद रामबन जिले दियें हदें अंदर ते संस्थानें ते दफ्तरें च होने आले ते उंदे शा बाहर जाने आले लोकें गी सैनेटाइज कीता जाई सकोग। हमारे जिले में दाखिल हूं जा उस तरफ से जहां दाखिल होते हूं टुवर्ड्स द नाशरी, इन लोगों को फुली डिसैनिटाइज किया जाए, इनको डिसइंफेक्ट किया जाए ताकि जो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से महफूज हो जाए। रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोविड 19 से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी सिलसिले में आज एक और कदम की शुरुआत हुई है जिसमें के तहत की 10 सैनिटाइजेशन टनल्स का। एदे कन्नै गै डोगरी खबरें दा बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड 19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। याद कीजिए, माँ बाप रोज प्रार्थना करते थे कि बेटे को समय मिले तो साथ में समय बिताएंगे। पत्नी कहती है काश पति को समय मिले तो साथ में पिक्चर देखते। बच्चे कहते पापा को समय मिले तो साथ में खेलते। तो लीजिए, इस मुश्किल दौर ने आपको एक तोहफा भी दे दिया है, समय का। तो आइए अपने परिवार को वो खुशनुमा पल दीजिए। घर में रहिए और कोरोना को घर से बाहर रखिए।
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल, न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। कोरोना वायरस प्रिवेंशन अगेंस्ट कोरोना वायरस अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनीवन शोइंग सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। वियर ग्लव्स, वॉश और चेंज देम डेली। वॉश योर हैंड्स, वॉश योर टॉवल्स इफ दे हैव टच्ड योर हैंड्स। अवॉइड टचिंग डोर नॉब्स and banisters. Cover your nose and mouth when you cough and sneeze. Wear a surgical mask. They are, however, not that effective and must be changed daily. Cook food thoroughly. Coronavirus symptoms: runny nose, headache, cough, sore throat, fever. मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। याद कीजिए, माँ बाप रोज प्रार्थना करते थे कि बेटे को समय मिले तो साथ में समय बिताएंगे। पत्नी कहती है काश पति को समय मिले तो साथ में पिक्चर देखते। बच्चे कहते पापा को समय मिले तो साथ में खेलते। तो लीजिए, इस मुश्किल दौर ने आपको एक तोहफा भी दे दिया है, समय का। तो आइए अपने परिवार को वो खुशनुमा पल दीजिए, घर में रहिए और कोरोना को घर से बाहर रखिए। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। माय गॉड, मैं तो घबरा ही गई थी। हेलो। कहिए, मिसेस समीर दीवान है क्या? आपको उनसे मतलब? मुझे नहीं, उन्हें मुझसे मतलब है। घर में है क्या? बुलाइए। काम बताइए, काम।
काम तो वो चाहेंगी तो बताएंगी, मुझसे मत पूछिए प्लीज। चाची ने आपको बुलाया? चाची आपको कैसे जानती? जिन्हें हमारी जरूरत होती है वो हमें जानता ही है, बुलाइए उन्हें। वो घर पे नहीं है। नहीं है? नहीं है? नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। कौन है? थैंक गॉड आप घर में ही हैं। ये लीजिए। एक मिनट, आप वहां से आए हैं? आपको अकेले में कुछ कहना है, खास मैसेज है। मैं अपनी हालत इन बच्चों को नहीं बताना चाह रही हूँ। एग्जैक्टली, उन्होंने भी यही कहा है। पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, मेरे घर के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। ये लीजिए पुड़िया, खाइए कमत। हाय, तो क्या सिर्फ अपने पास रखने से ही ठीक हो जाऊंगी? नहीं नहीं, चाटिएगा, चाटते ही आपके पूरे बदन में फुर्ती आ जाएगा। मैं डॉक्टर साहब का कंपाउंडर हूँ, बहुत लेजी हूँ, इसीलिए डॉक्टर साहब मुझे भी ये पुड़िया देते हैं। चाटते ही मुझे फुर्ती आ जाती है, मुझे फुर्ती आ गई है, मैं अब डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन। पैर तले रहे जमीन, इसका मतलब अब हमें रैक से कर सकते। चाची को मालूम है रैक कहाँ से करते, तो क्या करें? मुझे लगता है चाची को ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है हमें बड़ों को बुला लेना चाहिए। क्या हम चाची को ठीक नहीं कर सकते? अभी तो फर्स्ट स्टेज है, वी कैन प्लीज ट्राई ना। एक्चुअली हमें चाची को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। हाँ चलो कोशिश करते। चाची पता है आज घर सुना सुना क्यों लग रहा है? तुम आज की बात कर रही हो? ये घर तो कई दिनों से सुना पड़ा है। तुम घर की बात कर रही हो? सारा जग सुना है, संसार सुना है। चाची तुम उदास क्यों हो? हम है ना? हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे। जिस वक्त मैं अकेले रहना चाहती हूँ ठीक उसी वक्त तुम्हें मुझे अकेले नहीं छोड़ना है। चाची आपको मालूम है 26 जून को वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे है। अच्छा है, मगर बेचारे ड्रग्स लेने वालों का दर्द कोई समझता? उनके घर वाले उनकी परवाह करते तो वो ड्रग्स लेते ही क्यों? ला देना।
संजू सुना। हेलो कुल्ला, क्या हुआ? साहिल, 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 पता नहीं इन्हें क्या हुआ है। मिलने थोड़ी ब्राउन शुगर ला देगा। क्या ला दूँ? ब्राउन शुगर। अच्छे टाइम पे आया। मेरी मम्मी कहती है जहाँ पहुँचो टाइम पर पहुँचो। मुझे ना पुडिंग बनानी है, थोड़ी ब्राउन शुगर ला देगा? पुडिंग? वाओ, मगर मेरी मम्मी पुडिंग नहीं बनाती। मैं बनाती हूँ ना, मैं बनाती हूँ, तुझे खिला दूंगी। ये ले 50 रुपए, ब्राउन शुगर ला दे। ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर। चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीत। हेलो मिसेस आप्टे। हाँ मिसेस आप्टे, जल्दी आइए, हमारे पास आपके लिए ड्रग एडिक्ट पेशेंट है। आप आ रही है? ओके, थैंक यू। साची का क्या होगा? वो आ रही है ना, उसमें कुछ तो होगा। जमाना है रंगीन। बेशरम बदमाश, सुपर इडियट, यू सेंसलेस डंब ब्रूट। तूने हमसे पूछा क्यों नहीं? मेरी मम्मी कहती है जब बड़े कुछ कहते हैं तो छोटे की बात नहीं माना करते। बोले जरा बच्चा है। अच्छा ठीक है ठीक है, क्या कहती है तेरी मम्मी? कुछ नहीं। बच्चा ने किया क्या? डोंट बी ओवर स्मार्ट, ब्राउन शुगर का पैकेट किधर है, जल्दी निकालो। वही छोकरा लेके आया है, जल्दी जल्दी। चाची को बोला तो कहा नाराज होती है, यही चाची है। बात करते हुए तो बहुत जवान है। अरे मेंटेन है। क्योंकि तुम चाची हो। अरे चाची होने में मैंने कौन सा लॉ तोड़ा? मैं बोलता तुम चाची हो। हाँ? सब तुम्हें चाची कहते हैं। हाँ? हमें चाची तलाश है। हाँ? So, you are under arrest. You are under arrest. किस पीनल कोड के तहत? किस पीनल कोड के तहत? सर मुझे मालूम है, लेकिन मैं इनको क्यों बताऊं? हाँ, क्यों बताएं? तुम बताओ कि तुमने ब्राउन शुगर मंगाया था कि नहीं? हाँ, तो? अरे don't mind, you are under arrest. अरे क्या अंडर अरेस्ट? क्यों अंडर अरेस्ट? कैसे अंडर अरेस्ट? एक तो मैं बेचारी सुबह से सोमू के वियोग में उदास मायूस डॉक्टर की दवा चाट चाट कर अपने आप को संभाल रही हूं। सोमू का फोन आया, इसलिए मैं खुश हो गई और पुडिंग बनाने के लिए ब्राउन शुगर मंगवाई। हाँ, सुना, ब्राउन शुगर। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे वो वाली ब्राउन शुगर नहीं, नहीं, नहीं। वो शुगर जिसका कलर ब्राउन होता है, उससे बनाई जाती है। सांप के सामने भालू बाबू, सांप के सामने नहीं चलेगी, सांप के सामने। यू आर अंडर अरेस्ट। ठीक है, आप ही खा के देख लीजिए। नहीं सर, मत खाइएगा सर, मत खाइएगा, बहुत बड़ी साजिश है ये। ब्राउन शुगर मेरे सामने आपको खिला के मेरे से आपको अंडर अरेस्ट करवाना चाहती है। ओह नो, ओह यस, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। You are under arrest. Shut up. Police, please. आपको भी नशे की लत लग गई? नहीं, वो बात नहीं है, थोड़ी सी प्लीज। हाय हाय, मैं पुडिंग में क्या डालूंगी? थोड़ी सी प्लीज। नो नो, अभी एडिक्ट हो गए। नो नो नो, ये बात नहीं है, थोड़ी सी ब्राउन शुगर और प्लीज। दीदी, यही मोटर का एडिक्ट है। कार्ड पकड़ो इस ड्रग एडिक्ट को। Oh, yeah!
चुपचाप चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीत। पैरों तले रहे जमीन, एक भाई देख हा, एक भाई देख, जमाना है रंगीन। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, एक भाई देख हा, एक भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है। किसी ने वो सपना है देखा, आज सच बने भाई।
जैसे स्वच्छ आगे तक सदृश स्वप्नम जातम परिपूर्णम स्वच्छ भारतम नमाम्यहम् हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये अनिवार्य रूप से केवल डॉक्टर की सलाह पर ही ली जानी चाहिए। बिना डॉक्टरी सलाह के इसे लेना हानिकारक और जानलेवा हो सकता है। नमस्ते, मैं पंकज त्रिपाठी हूं और दूरदर्शन के माध्यम से आप सबसे अपील कर रहा हूं कि ये कोरोना इन्फेक्शन जो है ये आदमी से आदमी में फैलता है। सो एक
फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रहें, लॉकडाउन को गंभीरता से पालन करें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, और घर में रहते हुए बहुत सारे क्रिएटिव काम कर सकते हैं। और कोई भी लक्षण दिखाई देता है इस बीमारी का, अगर जैसे खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ये तो आप तुरंत 1075 इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारे संस्थाएं हैं उनके द्वारा दी गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें, और जो वर्कर्स अभी इस वक्त काम कर रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में, डॉक्टर, जो कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, हेल्थ वर्कर, सो पुलिस, उन सबको हमारा प्रणाम है। और हाँ, ये समय जो है वो सावधानी बरतने का है, परेशान होने का नहीं है। दुनिया ने बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, महामारी देखी हैं, उभरे हैं, इससे भी उभर जाएंगे। नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी, हम सब जानते हैं, पिछले कुछ हफ्तों से अलग सी, कुछ अजीब सी हो चली है, सिर्फ हमारी ही क्या, दुनिया भर में। अगर हम बात करें तो इस वक्त आसमान ज्यादा नीला है, हवा ज्यादा साफ है, नदियों का पानी ज्यादा निर्मल, नमस्कार। डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है, मैं आदेश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने हैं खास खास खबरें कने। पुलवामा जिले च दो आतंकवादियों ते उन्दे एक सहायक दा कीता गया सफाया। सरकार ने हॉटस्पॉट इलाके दे मालिक की छोड़िए सबने अटियां दुकानें की खोलने दी दित्ती छूट। कश्मीर घाटी थमां कोरोना दे आए 40 नवे मामले।
ते लॉकडाउन दे चलदे रमजान दा पवित्र महीना होया शुरू। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ते धर्म गुरुए मुस्लिम बरादरी की लॉकडाउन दे दिशा निर्देशों की पालना करने की की अपील। उन खबरां विस्तार कन्ने पुलवामा जिले च अज बड़लै मूंह नेरे सुरक्षा बलें कन्ने लगे दे एक टाकरे च दऊं आतंकवादी ते उंदा इक सहयोगी मारे गए। जिले दी अवंतीपुरा थार दे गोरीपोरा इलाके च आतंकवादियों दी मौजूदगी दी एक सूह पर कार्रवाई करदे होए सुरक्षा बलें क्षेत्र दी घेराबंदी करिए तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलें दा घेरा तंग हुंदा दिखिए उत्थे छप्पे दे आतंकवादियों उंदे उपर गोलियां चलानियां शुरू करी दित्तियां। सुरक्षा बलें आसिया जवाबी गोलीबारी च दऊं आतंकवादी ते उंदा इक सहयोगी मारे गए। एदे शा पहले जंदी संजा कुलगाम दे फरीसाल इलाके च सेना दे गश्ती दल उपर हमला करने परैंत लगे दे टाकरे च भी दऊं आतंकवादी मारे गए हे। तुआई जिला डोडा दे घोड़ियां इलाके च सेना ते पुलिस दी सांझी टीम ने कल आतंकवादियों दे एक गुप्त ठिकाने की नष्ट करिए उत्थों भारी मात्रा च असला ते गोला बारूद बरामद कीता। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन दौरान गैर जरूरी चीजें ते सेवाएं वाली दुकानें की खोलने की मंजूरी दे दी है। आले दुआले की दुकानें ते इकली दुकानें की खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि म्युनिसिपल कारपोरेशन ते म्युनिसिपैलिटियों की अदूद च आने वाले मार्केट कंपलैक्स बंद रहोंगन। एदे कन्ने गै म्युनिसिपैलिटी की हद अंदर ते कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट ते कंटेनमेंट वाले इलाके च बाजारें ते शॉपिंग माल के खुलने पर पाबंदी जारी रहोग। लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं वहां पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा होरें अज रियासतें दे मुख सचिवें पुलिस महानिदेशकें ते होरनें बड्डे अधिकारियों कन्ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राएं कोरोना वायरस दे मद्देनज़र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया गृह मंत्रालय दे दिशा निर्देशों मूजब आर्थिक गतिविधियां शुरू करने प्रवासी मजदूरें दे मसले ते विदेशों च फसे दे भारतीय नागरिकें दे मुद्दे पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर दे मुख सचिव BVR सुब्रमण्यम, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ते जम्मू रेंज दे IGP मुकेश सिंह होरें कैबिनेट सचिव होरें गी COVID-19 दे मद्देनज़र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दी स्थिति ते आर्थिक गतिविधियों दी बहाली ते प्रवासी मजदूरें दे मसले बारे जानकारी दित्ती। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च कोरोना दे 40 नमे पॉजिटिव मामले होने कन्ने प्रदेश च कुल पॉजिटिव मामले दी गिनतरी 494 पुजी गई है। ए सभै मामले कश्मीर घाटी थमां न। एदे कन्ने कुल 494 मामले चा 57 मामले जम्मू खिते थमां ते बाकी दे 437 मामले कश्मीर घाटी थमां न। कोविड पॉजिटिव एक मरीज दी अज मौत होने कन्ने प्रदेश च इस महामारी कारण मरने आले दी गिनतरी 6 होई गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उंदे सलाहकार KK शर्मा होरें नरवाल जम्मू चिमने चक दी फल ते सब्जियें दी मंडी सने मर्दे होरने काश्तकारी सरबंधी इलाकें दा दौरा लाइया COVID-19 दौरान मंजूर कीती गेदी कृषि गतिविधियों दी अमलावरी दा जायजा लैता। नरवाल मंडी दे अपने दौरे दौरान सलाहकार होरें सरबंधत अधिकारियों गी जम्मू सब्जी ते फल मंडी गी पक्का बनाना, मंडियें च कैंटीन दी सहूलत ते लखनपुर थमां फल सब्जियां आंदे बेले दरपेश रुकावटें गी हटाने सने होरने नेकां मुद्दे कन्ने जुड़े निर्देश जारी कीते गए। डोगरी खबरें दा बुलेटिन जारी है। पहले कोरोना वायरस बारे एक महत्वपूर्ण सनेहा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी है। जम्मू कश्मीर यूटी के लोग इस जंग में जीतने की इच्छा शक्ति के साथ एकजुट हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से कमर कसी है।
कोई भूखा पेट ना सोए, ना ही कोई थाली रहे खाली, सरकार का है पक्का वादा। मजबूत इरादों के साथ उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की रहनुमाई में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार वायरस से निपटने के लिए सक्षम है। आह्वान है उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का, इस लड़ाई में न थकना है, न हारना है और विजय होकर निकलना है। संकल्प एक है, कोरोना के खिलाफ विजय, लड़ाई में जीत। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना से निपटने के अब तक के प्रयासों ने अलग उदाहरण पेश किया है। समय रहते एक व्यापक जंग की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर में जितनी तेजी से काम किया गया, आज उसकी प्रशंसा देश भर में हो रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बाहरी राज्यों के मजदूरों का पूरा ख्याल रखा, करीब 17 करोड़ पंजीकृत मजदूरों के खातों में डाला गया। 35,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मजदूर बाकी राज्यों में फंसे हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गरीबों को जितना हो सके राशन देना है, अपने साथ साथ 5 अन्य लोगों के लिए फेस कवर बनाएं और उन्हें दें। देश की सेवा में लगे लोगों का धन्यवाद करना है, इसमें डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस वाले, बैंक, पोस्ट ऑफिस कर्मी, अन्य सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं। आरोग्य सेतु ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों के फोन में डाउनलोड करवाना है। वो डॉक्टर साहब हैं, भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तू सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 9111239708046 पर संपर्क करें। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी है। जम्मू कश्मीर यूटी के लोग इस जंग में जीतने की इच्छा शक्ति के साथ एकजुट हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से कमर कसी है। कोई भूखा पेट ना सोए, ना ही कोई थाली रहे खाली, सरकार का है पक्का वादा। मजबूत इरादों के साथ उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की रहनुमाई में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार वायरस से निपटने के लिए सक्षम है। आह्वान है उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का, इस लड़ाई में न थकना है, न हारना है और विजय होकर निकलना है। संकल्प एक है, कोरोना के खिलाफ विजय, लड़ाई में जीत। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना से निपटने के अब तक के प्रयासों ने अलग उदाहरण पेश किया है। समय रहते एक व्यापक जंग की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर में जितनी तेजी से काम किया गया, आज उसकी प्रशंसा देश भर में हो रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बाहरी राज्यों के मजदूरों का पूरा ख्याल रखा, करीब 17 करोड़ पंजीकृत मजदूरों के खातों में डाला गया। 35,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मजदूर बाकी राज्यों में फंसे हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गरीबों को जितना हो सके राशन देना है, अपने साथ साथ 5 अन्य लोगों के लिए फेस कवर बनाएं और उन्हें दें। देश की सेवा में लगे लोगों का धन्यवाद करना है, इसमें डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस वाले, बैंक, पोस्ट ऑफिस कर्मी, अन्य सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं। आरोग्य सेतु ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों के फोन में डाउनलोड करवाना है। खबरें दे बुलेटिन च तुंदा परतियै स्वागत है। मुल्क भर च मुसलमान अज पवित्र रमजान महीने का पहला दिन मना करदे न। अकीदत मंदे कोविड 19 महामारी करी देशे च लॉकडाउन की पालना करदे होई जंदी राती घरें च गै विशेष इबादत तरावी पढ़ी। नेका मुस्लिम धर्म गुरुएं, नेताएं, बुद्धिजीवियें ते संगठनें मुसलमानें गी समाजी दूरी का पालन करदे होई रमजान महीने दौरान घरें के अंदर गै नमाज अदा करने ते दुए धार्मिक अनुष्ठान करने की अपील की दी है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना हुंदा है ते इहदे समापन उपर ईद उल फितर मनाई जाती है। उपराज्यपाल गिरी चंद्र मुर्मू होरें रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर लोगों की मुबारकबाद देते हुए जम्मू कश्मीर च शांति, खुशहाली ते भाईचारा कायम होने की मेद बुझी है। अपने स्नेह च लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें मेद बुझी है जे यह पवित्र महीना केंद्र शासित प्रदेश ते राष्ट्र की आपसी भाईचारे ते सद्भाव दे इक सूत्र च बनोग।
मुल्खे दे और ने इसे आंगर जम्मू च भी रमजान दे पवित्र महीने दे पहले ध्याड़े अज मुस्लिम समुदाय दे लोके रोजे रखे दे न। कोविड 19 दे चलदे सरकार आसिया जारी निर्देश मुताबक मुसलमान ने अज पहली नमाज अपने अपने घरें च अपने परिवार आले कन्ने पढ़ी। मुस्लिम समुदाय आसिया फैसला लिया गया जे ओ इस बारी इफ्तारी भी अपने अपने घरें च गै करगन। देते हैं और ये भी पैगाम देते हैं जो आजकल डॉक्टरों की तरफ से हिदायत जारी की जा रही है, इस हिदायत के ऊपर हमें पूरा अमल करना है। जो मस्जिदों के अंदर नमाज के बारे में उलमा इकराम ने जो पहले से इससे पहले हिदायत जारी कर दी गई हैं कि नमाज अपने घरों के अंदर पढ़ें और घर के अंदर भी तन्हाई बना करके बैठें, और जो जो तरीके इसके बचाव कार्य के लिए बताए जा रहे हैं उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ तो रमज़ान का महीना है और दूसरी तरफ कोरोना वायरस जो फैला हुआ है ये इंसानियत का मसला है। इसलिए हमें इसके ऊपर अमल करना होगा, खुद भी अपने आप को भी बचाना है, अपने भाइयों को भी, अपने अज भगवान परशुराम उन्दी जयंती है। कोविड 19 महामारी कारण अज जम्मू च परशुराम जयंती पहले आला लेखा नहीं मनाई जाई सकी की जे सबने धार्मिक समारोहें पर प्रतिबंध लगे दा है। जम्मू दे गाड़ीगढ़ इलाके च एक मुकामी ट्रस्ट पासिया इस मौके समारोह दी थार उन्हें मजदूरें आस्ते मुफ्त लंगर दी व्यवस्था कीती गई, जिंदे कश एक महीने थमां जारी लाकडाउन करी कोई कामकाज नहीं है। मजदूरें गी मुफ्त लंगर तकसीम करदे मौके समाजी दूरी दा पूरा पूरा ख्याल रख्या गया। इयां गै सांबा च भी लोकें घरें च गै भगवान परशुराम हुंदी पूजा अर्चना कीती ते समाजी दूरी बनाई रखने दी पूरी पालना कीती। दुनिया भर में जो कोरोना जैसी महामारी छाई हुई है इससे छुटकारा मिले। जम्मू पश्चिम हल्के दे बकवाग इलाकें च लोकें थमां पीएम केयर्स फंड आस्तै पैसे किट्ठे करियै कोविड 19 खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखदे होई जम्मू पश्चिम भाजपा इकाई ने प्रदेश भाजपा महासचिव अशोक कोल होरें गी 409,401 रुपए की दुई किश्त का चैक भेंट किया। ए चैक प्रदेश भाजपा दे साबका अध्यक्ष ते जम्मू पश्चिम दे साबका विधायक सत शर्मा होरें अशोक कोल होरें गी भेंट किया। एदे शा पहले भाजपा की जम्मू पश्चिम इकाई आसिया भाजपा दे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना होरें गी 2,00,000 रुपए पीएम केयर्स फंड आस्तै दित्ते गए हे। जिला रियासी च नेकां बकाया पेदी परियोजनाएं गी सरकार आसिया लाकडाउन च ढिल दित्ते जाने मगरा परतियै शुरू कीता गया है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दे कार्यकारी इंजीनियर होरें जानकारी दित्ती जे सड़क निर्माण जनेही बकाया पेदी परियोजनाएं दा कम्म परतियै शुरू होई गया है, जेदे कन्ने तकरीबन 2,000 मजूरें गी फायदा पुजोग। एदे शा पहले इस हफ्ते सरकारी दफ्तरें च कामकाज शुरू कर दित्ता गया हा, क्योंकि हम तो दूर दराज इलाके के रहने वाले हैं, उधर तो अभी तक हमारे कोई सहूलत पहुंची नहीं है, लेकिन इधर जो परमिशन दी है इसके लिए हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। वजह से हम काम नहीं कर पा रहे थे, आज तक अपने घरों में बंद थे, और अब सरकार ने हमें परमिशन दी है कि हम दिहाड़ी लगा सकते हैं और हमें उम्मीद है कि पैसे मिलेंगे। सर लॉकडाउन तो अभी चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ परमिशन की वजह से हमारे काम स्टार्ट कर दिए इन्होंने, हमारा जो यहाँ कारोबार में काम चल रहा था वो इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, तो परमिशन की वजह से आस्ता 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 जो काम चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा स्टेप है ऐसे कि लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी तो एक तो काम मिलेगा उनको, उससे उनको इनकम भी होगी और वो काम पे भी रहेंगे। मुल्खे चला करदे लाकडाउन करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने महिलाएं करसाने ते गरीब बुजुर्गें गी नकद माली मदद ते मुफ्त अन्नदाना देने दी घोषणा कीती है। जिला रियासी च लोकें च इस घोषणा कन्ने मती खुशी दिखने गी थ्होई है ते उन्हें प्रधानमंत्री हुंदा इस सद्भाव लई धन्नवाद कीता है। मनरेगा के दिन दिहाड़ी खोलेंगे। लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत परेशानी हुई थी, घर में काम भी नहीं करते, घर में ही बैठे हैं, पैसे भी नहीं थे, फिर अभी नरेंद्र मोदी ने अभी 2,000 रुपया डाला, अभी हमें थोड़ी सी राहत मिली है। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मैं एंटी कैंप गया हूँ और मेरे खाते में 3,000 रुपया डाला उन्होंने मेरा परिवार। सरकार ने हमें आदेश दिया है कि मास्क पहन के रहना है और सोशल डिस्टेंस बना के रहना है। राशन रूशन हमारे को मिल गया, थोड़ा बहुत चलो उससे गुजारा हो रहा है, अपना टाइम पास हो रहा है। मोदी जी का बहुत धन्यवाद है, इधर हमारे को राशन सभी लोगों ने हमारे लिए बड़ा सभी ने करा काम। लगातार चला करदे लॉकडाउन करी नेकां परिवार ते जरूरतमंद लोग मतियां कठिनाइयां दा सामना करा करदे ने, पर सीमा सुरक्षा बल एक बारी परतियै नए लोकें दी मदद आस्तै अग्गे आई है।
बीएसएफ दे कर्मी पंज टीला सांबा च 500 मजदूरें गी राशन ते मास्क तकसीम कीते। मीडिया कन्ने गल्लबात करदे होई सीमा सुरक्षा बल दे इंस्पैक्टर जनरल NS जमवाल होरें दस्सिया जे बल दियां त्रऊं यूनिटें आसिया रलिए जरूरतमंद ते मजदूर परिवारें गी राशन तकसीम कीता गया। उन्हें आखिया जे बीएसएफ इस चाली दे लोड़मंद लोकें दी भविक्ख च भी मदद करदी रहोग। डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो हम कर रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनको एक मैसेज जाए कि सीमा सुरक्षा बल जो है वो उनके साथ में है, आवश्यकता की जो चीज़ें हैं हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश च फसे दे जम्मू कश्मीर दे तकरीबन 150 नागरिकें गी क्वारंटीन अरसा मुकम्मल करने मगरा अज लखनपुर थमां प्रदेश च दाखल होने दी अनुमति दित्ती गई। जम्मू ते कश्मीर खित्ते कन्नै ताल्लुक रखने आले एह लोक हिमाचल प्रदेश च मजदूरी करदे हे। कठुआ दे डिप्टी कमिश्नर होरें दूरदर्शन समाचार गी दस्सेया जे लखनपुर पर दाखल होने मगरा इनें मजदूरें गी अपनी अपनी थाहरें भेजी दित्ता गया ऐ ते उनें गी अपने अपने घरें च गै क्वारंटीन करने दी हिदायत दित्ती गई ऐ। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अज फी दोहराया जे सोए दे मौसम ते रमजान दे पवित्र महीने गी दिखदे होई मुल्खे दे बक्ख-बक्ख हिस्सें च फसे दे जम्मू कश्मीर दे मजदूरें ते विद्यार्थियों गी वापस आने जा। एक बयान च कांग्रेस दे प्रदेश अध्यक्ष GA मीर होरें आखिया जे एह एक मनुखता आला मामला है ते अधिकारियों गी इसी पहल दी बिना उपर हल करना लोड़चदा। COVID-19 महामारी दे चलदे इस बारी सालाना दरबार मूव वाली प्रक्रिया गी समय सिर अमल च नहीं आन्या जाई सकिया कि जे दरबार कन्नै कम्म करने आले कश्मीर रौहने आले मते सारे कर्मचारी अपने परिवारें कन्नै जम्मू च फसे दे ने। इनें कर्मचारियों गी प्रदेश सरकार आसिया इक बारी श्रीनगर बक्खी सफर करने दी मंजूरी दित्ती गई ही। इनें कर्मचारियों ते उंदे परिवार आले दी यात्रा गी जरनैली शिड़कै पर सुरक्षा उपलब्ध कराने लई निग्गर प्रबंध कीते गए न। हुण जानकारी तापमान दी। मौसम विभाग दी सूचना मूजब पिछले 24 घंटे दौरान जम्मू च बदोबद तापमान 32.3 डिग्री सैलसीयस ते घट्टो घट्ट तापमान 19.9 डिग्री सैलसीयस रिकार्ड कीता गया। बुलेटिन दे अखीरे च खास खास खबरें इक बार परतियै। पुलवामा जिले च 2 आतंकवादियों ते उंदे इक सहायक दा कीता गया सफाया। सरकार ने हॉटस्पॉट इलाके दे मालें गी छोड़िए सबने हट्टियां दुकानें गी खोलने दी दित्ती छूट। कश्मीर घाटी थमां करोना दे आए 40 नमें मामले ते लाकडाउन दे चलदे रमजान दा पवित्र महीना होआ शुरू। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ते धर्मगुरुएं मुस्लिम बरादरी गी लाकडाउन दे दिशा निर्देशों की पालना करने की कीती अपील। एदे कन्नै गै डोगरी खबरें दा बुलेटिन समाप्त होंदा है। नमस्कार।